हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप लोग का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने लैपटॉप को विंडोज 10 टू विंडोज 11 में अपग्रेड। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू आप किस तरीके से अपने लैपटॉप को विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से प्रोसेसर्स हैं जो विंडोज 10 के बाद विंडोज 11 में अपग्रेड नहीं हो पाएंगे, यानी कि ऑफिशियल आपको अपडेट नहीं मिलेगा। ऐसे कौन से प्रोसेसर हैं वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को अंदाजा लग जाए कि आपके लैपटॉप के लिए विंडोज 11 का अपडेट आने वाला है या फिर नहीं। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के लैपटॉप पे विंडोज 11 का अपडेट नहीं भी आता है तो आप थर्ड पार्टी के थ्रू उसको अपडेट कर सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू अपडेट करके दिखाने वाला हूं। मेरे लैपटॉप में विंडोज 11 का अपडेट आ चुका है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को लेके चलता हूं मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ ये जो मेरा लैपटॉप है ये कौन से प्रोसेसर पे यहाँ पर रन कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज में, ये जो मेरा लैपटॉप है वो i3 10th जनरेशन पे रन कर रहा है और मुझे यहाँ पर ऑफिशियली जो है अपडेट आ चुका है विंडोज 11 का। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको लोगो दिखाई देगा जब आपको यहाँ पर अपडेट मिलेगा आपके लैपटॉप पे। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपको विंडोज अपडेट पे लेकर चला जाएगा। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख पाएंगे, यहाँ पर अपग्रेड टू विंडोज 11 इज रेडी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपका लैपटॉप जो है विंडोज 11 सपोर्ट करेगा तो आपको ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा आपको अपने लैपटॉप पे। और आप लोग को बता दूँ, ये मेरा i3 10th जनरेशन है, यानी अगर आप लोग i3 10th जनरेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर इससे ऊपर जनरेशन के प्रोसेसर हैं, i5 है, तो सब में आपको 11 का अपडेट ज़रूर मिलेगा। बट अगर आपका i3 6th जनरेशन है या फिर उससे नीचे के प्रोसेसर है तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट नहीं मिलेगा विंडोज़ 11 का। तो वहाँ पर आप किसी थर्ड पार्टी से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप लोग उस पर भी वीडियो चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग विंडोज़ 11 डालें अपने लैपटॉप में, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। अगर आप लोग के लैपटॉप में नहीं सपोर्ट कर रहा है या फिर ऑफिशियली अपडेट नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ऑफिशियल अपडेट के थ्रू हम लोग विंडोज़ 11 में अपडेट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग के सामने यहाँ पर मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे से कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई आ गई है आप लोग के सामने। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, सारे विंडोज़ के टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पर डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं विंडोज़ 11 इज़ डाउनलोडिंग और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया है 0% पे अभी। तो डाउनलोड को कम्प्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ कि नेक्स्ट जो है हमें क्या देखने को यहाँ पर मिलता है। सो दोस्तों, विंडोज़ 11 यहाँ पर हमारा 100% डाउनलोड हो चुका है और लगभग इसने 20 मिनट का समय ले लिया है डाउनलोड होने में। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटवर्क और स्पीड पे कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है किस तरीके की है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाउनलोड हो जाता है। सो अब यहाँ पर इंस्टॉलिंग हमें शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग शो कर रहा है, डाउनलोड ऑटोमेटिकली हम लोग इसको कर चुके थे ऑलरेडी 100%, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉलिंग अब आ चुका है मैसेज। तो इसका वेट करते हैं 100% होने का और देन देखते हैं आगे क्या प्रोसेस शो करता है हमें। सो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ का आ चुका है और यहाँ पर रीस्टार्ट टू इंस्टॉल विंडोज 11 ये भी लिखा हुआ आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं और विंडोज़ को अपने इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मैंने रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया है। अब विंडोज़ यहाँ पर हमारा रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद आई थिंक 11 का जो भी प्रोसेस होगा विंडोज़ 11 का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं। सो गाइज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेडी हो रही है विंडोज़ 11 के लिए। और आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन किस तरीके से आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिल रहा है दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, तो कुछ मिनट्स के अंदर हमारा जो है विंडोज़ 11 हमें रेडी मिलने वाला है और देखेंगे क्या चीज़ें डिफरेंट है विंडोज़ 10 से, कैसा हमें लुक मिलता है यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद में।
और अगर आप लोगों के पास भी आप लोगों के अपने पीसी में आपको अपडेट मिला है विंडोज 11 का, तो आप भी ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके अपने लैपटॉप को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप है वो विंडोज 11 में अपग्रेड हो चुका है, और यहां पर मैं देख पा रहा हूं बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन भी मुझे यहां पर शो हो रही है, तो ये काफ़ी कमाल का लग रहा है। और जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है विंडोज 10 से। आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो भी टास्क बार में जो भी चीज़ें थी वो बिल्कुल मिडल में आ गई है, जैसे कि आप मैकबुक वगैरह में देखते हैं। और यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ ओपन करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है यहाँ पर। तो काफ़ी आसानी से यहाँ पर मेरा विंडोज़ 11 में ये अपडेट हो चुका है, और अभी जो फ़िलहाल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी लग रहा है, और यहाँ पर जो एनिमेशन दिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कुछ मोबाइल के एप्लीकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, जैसा आप लोगों ने देखा यहाँ पर आपको मोबाइल के एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यूज़ करके देखूँगा कि इन सब एप्लीकेशन को यहाँ पर हम पीसी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ, और क्या क्या नए नए फीचर्स यहाँ पर हमें मिले हैं वो भी मैं देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे यहाँ पर डिज़ाइन जो है लोगों के वो भी चेंज हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं एनिमेशन कितना ज़्यादा प्यारा हो चुका है, काफ़ी फास्टली वर्क कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया लग रहा है। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने अपडेट वाली सेटिंग में। आप लोग को बता देता हूँ मैं दोबारा से कि कैसे जो है आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कॉर्नर में हमें मिलता था सेटिंग में जाने का, वो ऑप्शन अब यहाँ से हट चुका है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा क्लिक करने का नहीं है। तो फिलहाल अगर मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा तो यहीं से जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ पर मुझे यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, तो यहाँ से मैं सेटिंग में गया हूँ, और यहाँ पर आप लोग अंदर देख पाएंगे सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई है, जैसा आप लोगों को एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देखने को मिलता है वैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा न्यू लुक देखने को मिल रहा है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे फर्स्ट टाइम यूज़ करते हुए। तो बाकी तो इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तब पता लगेगा, बट फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई है इस विंडोज़ में पुराने विंडोज़ के मुकाबले, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ पर यूज़ करने में। और यहाँ पर अपडेट वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ, तो विंडोज़ अपडेट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर हमें जो करंट वर्जन है वो यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ अपडेट्स है जो सिस्टम के हैं वो यहाँ पर डाउनलोड के लिए रेडी है, तो इनको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। बाकी यहाँ पर हमारा जो विंडोज़ है वो 11 में यहाँ पर अपडेट हो चुका है। सो गाइज अगर आप लोग भी अपने विंडोज़ को विंडोज़ 11 में अपडेट करना चाहते हैं तो यही सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए कर सकते हैं अपने विंडोज़ को अपडेट। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऑफिशियल तरीके से अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जहाँ से आप ऑफिशियली अपने विंडोज़ को अपडेट कर पाएंगे। कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ का यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को आपके विंडोज़ के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट मिल रहा है तो आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी का यूज़ ना करें। अगर आपका विंडोज़ वो सारे चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करता जो कि विंडोज़ 11 को चाहिए, या फिर आपको ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल रहा है, आपका उसके नीचे आता है i3 6th जनरेशन के नीचे है, तो आप लोग थर्ड पार्टी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको विंडोज़ 11 का एक्सपीरियंस करना है। अदरवाइज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग ऑफिशियल अपडेट ही करें, आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी और आगे जो फर्दर अपडेट्स मिलेंगे वो भी फ्यूचर तक मिलते रहेंगे, और काफ़ी बढ़िया से आपका जो PC है वो रन करेगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए। सो मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।